एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है कि मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं और लड़का उत्तर देता है कि अत्यधिक विचारों के कारण मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऊपर आकाश की ओर देखो कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है कि धूप दिख रही है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा। वो कहता है कि मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है कि इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं कि सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। अगर तुम्हें शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का स्वभाव भी ऐसा ही होता है, विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन इसका निर्णय आपको लेना है कि आपको विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अपने एक अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। बुद्ध कहते हैं कि हम जो भी काम करें हमें उसे आनंद के साथ करना चाहिए। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही हमारा चित्त शांत होगा। वो लड़का दोबारा महात्मा बुद्ध से पूछता है कि अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। बुद्ध कहते हैं कि किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद करोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे और इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।